हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी मेरी लेटेस्ट अमेज़ॉन से शॉपिंग की लिस्ट कि मैंने अमेज़ॉन से लेटेस्ट क्या शॉप किया है और मेरा उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। सो बेसिकली दिस इज़ द कॉपर जग। ये जो कॉपर का जग है, इसकी फिनिशिंग आप देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। और मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके इस कॉपर को के जग को लिया था। और इसको ऐसे खोल सकते हैं, इसके अंदर से भी इसकी फिनिशिंग देखेंगे तो बहुत अच्छी है। इसके साथ में फ्री आया है इसको क्लींजिंग करने का पाउडर। और अभी तो मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, लेकिन मुझे ये इट्स हैवी ऑल्सो, बहुत हैवी है ये, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने एक ये चाय बनाने के लिए लिया है हॉकिंस का। ये इसमें 4 कप्स टी बन सकती है आराम से। और ये बहुत ही ज़्यादा सॉलिड है, मेरे पास में 1.5 लीटर का तो ऑलरेडी था ही, और ये मैंने अब 1 लीटर का लिया है। नेक्स्ट मैंने ये बोरोसिल का रोटी का डब्बा लिया है। जो मेरे पास में एक और डब्बा है बोरोसिल का, ये वो भी वो थोड़ा सा बड़ा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रोटी आती है, तो अगर एक इसलिए मैंने फिर एक छोटा भी ले लिया। और दिखाती हूँ मैं आपको, इसके अंदर जो ये प्लेट दी होती है ये बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब है। इससे जो रोटी है उसके अंदर पानी नहीं आता है। इसको ऐसे इसके ऊपर रख दो और फिर ये ऐसे, तो ये चपाती मुझे बेस्ट चपाती बॉक्स लगा ये। इसमें एकदम स्टील है और कंच है, बिल्कुल प्लास्टिक नहीं है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये वाला जो बॉक्स है, ये मस्ट बाय है। उसके अलावा मैंने ये होल्डर्स लिए इस तरह से, ये टी लाइट जला के मंदिर में या डाइनिंग टेबल पे कहीं पे भी रख दो। ये टी लाइट्स तो मैंने अलग से खरीदी है, लेकिन जो ये होल्डर है ये भी बड़ा सस्ता था और बहुत ही सुंदर है। ये 200 के 4 थे, और पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये। मैं इन सब चीज़ों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी अगर आपको कुछ परचेज करना हो तो। अभी मैंने इतना परचेज किया है, कुछ कुछ और भी ऑर्डर किया हुआ है, देखते हैं कब आएगा, तो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। बाय।